सरोकार। लखनऊ में बिना परमिशन छत पर लग रहा है टावर, प्रशासन नहीं कर रहा है सुनवाई। समाधान दिवस पर डीएम तहसील मलिहाबाद पहुंचे, समस्याओं का जल्द हल करने की कही बात। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनाम है बदमाश गिरफ्तार। फरुखाबाद में सीएमएस डॉक्टर कैलाश दुल्हानी का कारनामा आया सामने, महिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की खुली बोल। प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर, सरकारी बिल्डिंग में अवैध कब्जा, सीएचसी अधीक्षक ने अवैध कब्जे को कराया मुक्त। नंदिनी यादव, वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस को देखते हुए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार तहसील मलिहाबाद पहुंचे और वहां आए फरियादियों की जनसुनवाई की। आपको बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए मामलों का तुरंत समाधान कराने के निर्देश दिए और साथ ही निस्तारणों के सत्यापन के लिए अधिकारी शिकायतकर्ताओं को कॉल कर फीडबैक लेने की बात भी कही। लखनऊ में शहादतगंज क्षेत्र के अंबरगंज चौकी अंतर्गत वजीरबाग में एक घर के तीसरे माले पर टावर लगने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश देखने को मिला। इसको लेकर शासन प्रशासन से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की गई, लेकिन कहीं कोई बात सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्रीय लोगों का हंगामा करते हुए सीएम से मदद की गुहार लगाई है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है बिना परमिशन के छत पर टावर लग रहा है। मामला ये है कि एक तो इन्हीं ने पहले मोहल्ले में इन्फॉर्म नहीं करा कि हाँ ये टावर, इन्हीं ने चुपचाप से जो है अंदर ही अंदर वो बना लिया प्लान, तो अब टावर लग रहा है। हम लोगों को बस मेन यही दिक्कत है कि हमारा भी कमरा रूम वहीं पर है, लीगल नहीं लग रहा है। और बिल्कुल जी, एप्लीकेशन दी हम लोगों ने, कई थानों में दी, यहाँ अंबरगंज में और कई जगह दी है। बस यही चाहते हैं कि ये काम रुक जाए, क्योंकि हमारे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, खतरा है। ये जो गुड्डू हमारे बरबर के घोसी हैं, वो उनका इंतकाल हो गया है। अभी उनका लड़का मोहसिन है, उनकी बीवी है, वो टावर लगा रहे हैं एयरटेल का। अच्छा। अब वो टावर जो लग रहा है, इससे पूरा मोहल्ला खराब है, जिसकी 5-6-7 रजिस्ट्रियां भी की जा चुकी मुख्यमंत्री और इधर बहुत सी जगहों पे। पुलिस अधिकारियों में करी है जी, पुलिस अधिकारियों में किया गया है। उसके बाद में अभी 112 पे फोन किया गया, जिस समय बारिश हो रही थी, तो उन लोगों ने आगे कहा रोक दो, इन लोगों ने कहा ठीक है रोक दिया, फिर भी काम चलता रहा। और आई एम ए प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। आपको बता दें कि थाना एरवा कटरा सुल्तानपुर गांव में एक सरकारी बिल्डिंग में आयुष्मान हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। वहीं सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मोहित कुमार ने संज्ञान में लेते हुए सुल्तानपुर में पहुंचकर कब्जा मुक्त कराया। इसके साथ ही डॉक्टर मोहित कुमार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी चेकिंग की, जिसमें दो अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटलों को संचालकों को नोटिस भी दिया। उन्होंने कहा अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अवैध रूप से लेंगे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब आपके माध्यम से और प्राइम टीवी के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबर प्रकाशित हुई थी, उससे पहले भी मैं एक बार आया था, तब भी मैंने कब्जा को हटवा दिया गया था, लेकिन फिर पुनः उसमें कुछ सामान पड़ा हुआ मिला था मुझे, जिसके संबंध में मैं आज यहाँ पर औचक निरीक्षण पे आया था, जहाँ पर मैंने पाया कि सारा सामान उनके द्वारा हटा लिया गया, तो इसलिए यहाँ पर मेरा आना हुआ था। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब घर के सभी परिजन शादी में गए हुए थे। आपको बता दें कि परिजन जब घर लौटे तो उनके होश उड़ गए। चोरों ने गृह स्वामी के घर में अंतर आता देख बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। गृह स्वामी ने अपना बचाव करते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने चोरों को माल सहित गिरफ्तार कर लिया।
मैं अपने ताऊ जी की लड़की की शादी में उमेश भाटका गया अपने तो करीब लगभग 2 बजे रात के मैं आया घर पे तो ताला टूटा हुआ मिला और अंदर चोर घुसे हुए थे। तो फिर आप द्वारा क्या पुलिस को सूचना दी गई? जी जी, मैंने तुरंत कोतवाल साहब को फ़ोन किया और करीब 5-10 मिनट के अंदर कोतवाल साहब तुरंत हाजिर हो गए। तो अभी चोरी हो नहीं पाई थी? नहीं। फर्रुखाबाद में कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल के महिला अस्पताल में सीएमओ के निरीक्षण के दौरान महिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। बता दें कि जांच के सीएमओ को पता चला कि बच्चों का डायपर निजी तौर पर बिकवाया जा रहा है और प्रसूताओं के भोजन पर डाका डाला जा रहा है, जिसका जिम्मेदार सीएमएस डॉक्टर कैलाश दुल्हानी को बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब इस मामले की पोल खुलने लगी तो सीएमएस ने डायपर बेचने वाली महिला पर ही सारा आरोप लगा दिया। महिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, रसोई देखी है, व्यवस्था कुल मिला के ठीक ही थी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिस कारण एंटीनेटल केसों का अल्ट्रासाउंड होने में परेशानी होती है। पूर्व में शिकायतें आई कि महिला अस्पताल से जो अल्ट्रासाउंड में बाहर से कराए जा रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो गाइड करते हैं फला जगह जाइएगा, उस पर भी रोक लगाई जाएगी, व्यवस्था करी जाएगी रेडियोलॉजिस्ट की। अगर ये डॉक्टर पैंपर्स दोबारा बेचे जाते क्या कार्रवाई होगी? सरकारी जगह कब्जा करके उनको कह दिया, निर्देश दिया गया हटने का, हटो। अच्छा, रसोईया का निरीक्षण किया आपने? गोंडा में देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के पड़ीकृपाल के पास बलरामपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 ट्रक के ओवरटेक के चक्कर में ट्राली और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर बाल बाल बच गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसएसपी सीओ सहित कई थानों के पुलिस ने ट्रक में फंसे ट्रक ड्राइवर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने बड़ी सावधानी से रेस्क्यू कर ट्रक ड्राइवर की जान बचा ली। घायल ट्रक ड्राइवर को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। कासगंज में पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने एकादशी स्नान को देखते हुए हरी की पौड़ी पर मार्गशीर्ष मेला सोरों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए क्षेत्राधिकारी नगर यातायात को निर्देशित किया गया, जिसके बाद मेला परिसर में ड्यूटी में तैनात पुलिस बल को सुरक्षा को देखते हुए निर्देश दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मेला में आने वाले श्रद्धालुओं से शालीनता परिचय के साथ पुलिस सहयोगी के रूप में कार्य करना है और संदिग्धों पर पैनी नजर भी रखनी है, जिसके बाद अस्थाई कोतवाली मार्ग शीर्ष मेला पर पहुंचकर कंट्रोल रूम में लगे कैमरों का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सहावर, क्षेत्राधिकारी नगर प्रभारी निरीक्षक सोरो, प्रभारी मेला अधिकारी और कर्मचारीगण वहां पर मौजूद रहे। देखिए, ताना सहावर क्षेत्र में हमारे जो आदरणीय एडीजी जोन सर और डीआईजी रेंज सर के कुशल मार्गदर्शन में जो सर्दी के मौसम में कोहरा के फ़ायदा उठाते हुए जो चोरी होते हैं उसके रोकथाम हेतु लगातार जो चेकिंग के अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी के तहत आज चांडी नगर पुल नहर पुल ताना सहावर क्षेत्र में चेकिंग किया जा रहा था, जिसमें हमारे एसओजी टीम और ताना सहावर टीम भी भाग ले रहे थे। तो उसी समय पे 2 बदमाश जो बाइक से आ रहे थे वो हमें देखकर फायरिंग करना शुरू किया, तो उसी के रिटालिएशन में एक बदमाश घायल हुए। जब घायल हुआ व्यक्ति से पूछताछ किया तो उनका नाम रहमान पता चला। कासगंज में थाना सहावर क्षेत्र के चांडी पुलिस चौक पोस्ट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनामिया बदमाश को भी गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, ताना सहावर क्षेत्र में हमारे जो आदरणीय एडीजी जोन सर और डीआईजी रेंज सर के कुशल मार्गदर्शन में जो सर्दी के मौसम में कोहरा के फ़ायदा उठाते हुए जो चोरी होते हैं उसके रोकथाम हेतु लगातार जो चेकिंग के अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी के तहत आज
चांडी नगर पुल नहर पुल थाना सहावर क्षेत्र में चेकिंग चला किया जा रहा था, जिसमें हमारे एसओजी टीम और थाना सहावर टीम भी भाग ले रहे थे। तो उसी समय पे दो बदमाश जो बाइक से आ रहे थे वो हमें देखकर फायरिंग करना शुरू किया, तो उसी के रिटालिएशन में एक बदमाश घायल हुए। जब घायल हुआ व्यक्ति से पूछताछ किया तो उनका नाम रहमान पता चला। और नाव में चमरौली गांव के पास तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि एक डंपर दूसरे डंपर में जा भिड़ा, भिड़ंत के बाद डंपर में भीषण आग लग गई। आग लगने से डंपर में मौजूद लोगों की जलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस डंपर में एक का शव भी मिला। इस घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस और फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की सूचना पर हड़कंप मच गया। फिलहाल आज के उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।